छुपाते हैं, दबाते हैं और कुछ नहीं करते। इस बार 100% बदलाव होगा और एमसीडी के अंदर मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि आम आदमी पार्टी का ही उम्मीदवार विजयी होगा। नहीं कुछ नहीं, सब जगह जो है कूड़ा और नाली सारी बंद है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। नमस्कार आदाब, हाजिर हूं मैं फिर एक बार जानने पब्लिक का मूड। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क में। लक्ष्मी नगर विधानसभा का ये वार्ड है, यहां पर क्या है मुद्दे और किस तरीके से जनता देखती है, क्या इस बार होगा बदलाव या फिर पुरानी विरासत रहेगी कायम, तो आइए मेरे साथ जानते हैं पब्लिक का मूड। मौजूद हैं हम ललिता पार्क वार्ड नंबर 201 में। आज फ्राइडे है और जुमे के दिन नमाज से ये मस्जिद के बाहर लोग लग रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन होने की वजह से चाहे वो कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो प्रचार के लिए मस्जिद के बाहर खड़े हैं, क्योंकि लोग निकलेंगे और उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। साफ तौर पर है आज आखिरी दिन होने की वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो पूरी तरीके से अब अपने चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या है ललिता पार्क में पब्लिक का मूड। सर क्या क्या मूड लग रहा है इस बार, क्या है मूड? तो अभी पब्लिक का सारा आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। अच्छा, पूर्व पार्षद कौन थे, किस पार्टी से थे? अभी जो थी वो भाजपा से थे। अच्छा। हाँ, उनके कार्य अभी जो यहाँ की आवाम थी उनको समझ में आई नहीं। अच्छा, क्यों, वजह क्या, काम नहीं करते? वजह तो खैर पब्लिक अच्छी तरह जानती है, काम नहीं किया इसलिए ही मूड बदलाव का है इस बार। जी जी, आप क्या लगता है क्या मूड लग रहा है, बदलाव का या फिर पुराना? नहीं, बदलाव का है मूड इस बार जो है। मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्किंग के मुद्दे हैं, जो अभी से 15 साल से भाजपा यहाँ पे पार्षद रही है, इनका जो है मसला अभी तक नहीं हुआ। साफ सफाई, कूड़ेदान या कूड़ा घर वगैरह ये सब बना है? कुछ होता है? नहीं कुछ नहीं, सब जगह जो है कूड़ा और नाली सारी बंद है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और डेंगू से सब बीमारी है, ये कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। तो इस बार पूरा बदलाव का मूड बना लिया है? इस बार बदलाव करेंगे, दूसरा पार्षद लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी का जो है इस टाइम जोर चल रहा है, चलिए वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन बदलाव का मूड लग रहा है। मतलब ये कहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो एमसीडी चुनाव में मुद्दे होते हैं, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगने की बात हो, नाली साफ करने की बात हो, सीवर साफ करने की बात हो या कूड़ा उठाने की बात, ये काम होते हैं? मैं बिल्कुल साफ साफ बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पैदाइशी वार्ड 201 की है। अब की बार जो 15 साल का इन्होंने बीजेपी ने शासन किया एमसीडी के अंदर, ये बिल्कुल बदलाव होगा और 100% होगा। कौन सी पार्टी आएगी कौन सी नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सबसे मेन बात जो कूड़े की बात, हमारे इलाके में मोहल्ले में गलियों में जो कूड़ा पड़ा रहता है और कूड़े का जो ये सफाई करके निस्तारण करते हैं वो ये नहीं कर पाए पूरे 15 साल में, जो कि अब ये कह रहे हैं कि हम सफाई कर देंगे, कर देंगे। 3-3 पहाड़ इन्होंने कूड़े के हम लोगों को दे दिए, जो हमारे पूर्वी दिल्ली के इलाके में आप गाजीपुर में देख सकते हैं, बाकी ओखला में और एक भलसवा डेरी में, ये आप लोगों को पता हो। लेकिन पता है क्या कि अब की बार इन्होंने जब हमने कूड़े का मुद्दा बनाया पब्लिक ने, तो इन्होंने कूड़े की ऊंचाई कम करने के चक्कर में और उसको ढहा दिया, मतलब प्लेन फैला दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ऊंचे की उड़ाई अगर 8 फुट है उसको 4 फुट कर दें या 100 फुट है तो उसे 50 फुट कर दें, तो उसके चक्कर में इन्होंने पीछे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वाले, आपको पता होना चाहिए कि लोग हाइट कम हुई है। हाँ हाइट कम हुई है, लेकिन वो फैला के दीवार भी तो गिरी है, वो फैलाई गई है जब भी तो दीवार गिरी है, वो दीवार गिरने का मतलब ये था कि उस टाइम तो वर्कर थे नहीं वहाँ पे, तो नहीं तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता। ये सिर्फ अपने काम को छुपाते हैं, दबाते हैं और कुछ नहीं करते। इस बार 100% बदलाव होगा और एमसीडी के अंदर मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कि आम आदमी पार्टी का ही उम्मीदवार विजयी होगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि अमूमन एमसीडी के अंदर जो जैसे सीलिंग का मुद्दा आया था, कई सारी ऐसी चीजें हैं, ललिता पार्क हो गया या रमेश पार्क हो गया, ये काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, गारमेंट एक्सपोर्ट मार्केट है, एमसीडी की तरफ से यहाँ पर मार्केट का क्या रुख रहता है, किस तरीके मार्केट वालों ने, अब मार्केट की सुन लीजिए, एमसीडी का कन्वर्जन चार्ज होता था जो उन्होंने कहा था कि कन्वर्ट चार्ज दो आप और हम आपको आपके जितनी मार्केट है उसको पार्किंग की सुविधाएं देंगे। 15 साल का, मैं खुद ही दुकानदार हूँ रमेश पार्क में, रही हमने 15 साल का कन्वर्ट चार्ज दिया है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी पार्किंग वाले को कोई मुद्दा ही नहीं उठाया कि मार्केट वालों को क्या सहूलियत दी जाए। अच्छा। किसी भी चीज़ के बारे में मोदी जी ने 12 साल का हाउस टैक्स माफ़ कर दिया, उसके बाद जो पेनल्टी थी वो भी माफ़ कर दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? देखिए हाउस टैक्स माफ़ करना तो एक चुनावी स्टंट होता है किसी भी चीज़ का, आप अगर चुनाव के टाइम पे कोई चीज़ आप माफ़ करते हो तो इसका मतलब चुनावी स्टैंड है, इससे पहले क्यों नहीं कहा? पार्किंग की बात पर ये कहा गया है, जो चुनावी वादे हैं, मैं वही कर रहा हूँ, चुनावी वादों में ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग देंगे, 15 साल से पहले भी थे।
नहीं तो हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो पहले अब क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए गया? अभी इससे अभी एक हफ्ते पहले अखबार में इन्होंने बीजेपी वालों ने छापा कि अगर हम अब की बार हम सिटी में आए तो हम जो लाइसेंसिंग की सुविधा है ये तय तक समाप्त करेंगे या बिल्कुल इतनी सरल प्रक्रिया बनाएंगे कि हर दुकानदार व्यापारी को फायदा मिले। अच्छा मतलब इस बार और दे दो अगली बार हम देखेंगे ये करेंगे ये वाला सीन। तो ये तो राजनीतिक दलों की जो सोच कह लीजिए जो वादे होते हैं, क्योंकि राजनीति में वादे ही चलते हैं और वादे अगर पूरे हो जाए तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। ये क्या लगता है आपको? पिछले एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने कहा था वोट दे दो हमें, हम 100 गज तक का नक्शा माफ कर देंगे, नहीं बनाना पड़ेगा। क्या वो माफ हो? नहीं कराना पड़ेगा, पास नहीं करवाना पड़ेगा। क्या पास नहीं करवाना पड़ता? मकानों के लेंटरों के पैसे ऐसे ही खाने आ जाते हैं ये लोग। कौन कौन खाता है? बीजेपी अब सत्ता में जो बैठी है पैसे वो ही खाएगी, कोई और दूसरा पड़ोसी तो आ नहीं जाएगा। किसके अंडर में आते हैं सरकारी अधिकारी एमसीडी के? भाई मेयर के। मेयर किसका है? बीजेपी का। अब वो मेयर कहता है कि हमें पैसे ला के दो, जय उठा के पार्षदों को दे रहा है, पार्षद मेयर को दे रहा है, मेयर एलजी को दे रहा है। यहाँ पे यही तो हो रहा है, सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है, सारी कड़ियाँ जुड़ी है। एक कड़ी भी टूट जाए ना तो अपने आप सारे काम अच्छे हो जाए, सारी की सारी जुड़ी हुई है। जैसे पुलिस मान लो भाई, लेंटर पे इस बार कमिश्नर ने बोला है कोई भी पुलिस वाला किसी मकान के आसपास ना दिख जाए। मतलब वो इस तरीके से नहीं बोला, वो पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पुलिस का कंस्ट्रक्शन रुकवाने में और कंस्ट्रक्शन करवाने में कोई हाथ नहीं होगा, ये लैंग्वेज है। ठीक है, ये अब बोला है, यानी जो इतने 15 साल ये चीज़ देखिए, जब सीपी बस्सी साहब थे, बीएस बस्सी थे, तब भी ये चीज़ हुआ था कि पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस सिर्फ सपोर्टिंग एक एजेंसी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। आप जाके देख लीजिए, रात को आप अपना कैमरा लेके किसी भी लेंटर के पास खड़े हो जाइए, चुपचाप कुछ नहीं करना, वहाँ आप देखोगे कितने पुलिस वाले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले अलग। कितने रुपये लेते हैं लेंटर के? लेंटर के 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, जितना बड़ा आपका मकान है उतने ज़्यादा, जिस कॉलोनी में है उस हिसाब से उतने ज़्यादा। अब रेट फिक्स है, ये नहीं है कि किसी के काम इस कौन है, पुलिस है, एमसीडी कर्मचारी लेते हैं, कौन लेता है? देखो एमसीडी वाले अलग आते हैं, जेई आपके पैसे नहीं पहुँचाए वो कुछ नहीं कहेगा, जब आपका फिनिशिंग पे काम हो जाएगा, जब हथौड़ा लेके आ जाएगा, आओ जी दे रहे हो या तोड़ दूँ, बड़ा पैसे हो गए, वो कहेगा भाई साहब ले जाओ, तोड़ो मत मेरा। तो रोकना तो उसी समय चाहिए था जिस समय पहली ईंट लग रही थी। हाँ। भाई पुलिस का काम क्या होता है? अच्छा ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे या सारा मतलब लीगल तौर पे हो रहा है या इलीगल भी होता है? लीगल ही सारा हो रहा है, लीगल तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप नक्शा पास करवा लो इस कॉलोनी में से किसी का, आपका 50 गज का किसी का नक्शा पास नहीं करेंगे, 100 गज का तक का नहीं करेंगे, दुनिया भर की कॉलोनी तो ऑथराइज है ना, रेगुलराइज है, ऑथराइज अनऑथराइज अभी तक कुछ समझ नहीं आया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो होगा ना? नहीं होता। नहीं, शीला दीक्षित सरकार में जब एक बार दिया गया था 1639 कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो बचा दिया गया था, पूरी तरह से किसी को भी उसको ऑथराइज अभी नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं मिला, रेगुलराइज है अभी तक चल रहा है। ठीक है, हर चुनाव ये चुनाव है और पार्टियां किस तरीके से प्रचार कर रही हैं, ये यहां की मेन मस्जिद है, आप देखिए आज जुमे का दिन है, लोग नमाज पढ़ के निकले हैं और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मुसलमान बीजेपी से वैसे ही भागता है थोड़ा सा और बीजेपी खुद मुसलमानों से भागती है, शायद इस वजह से मुसलमान की बीजेपी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और भी कुछ लोग बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार मूड क्या है? नहीं बदलाव, इस बार बदलाव, जी जी। मुद्दे क्या क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे बहुत से हैं, कूड़े हैं, सफाई नहीं है, सीलिंग वाले परेशान करते हैं। अरे ये साफ सफाई का नहीं है, ये तो पार्षद यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वही कूड़ा फैला दिया तो कैसे करेंगे? नहीं वो उसको खुद साफ करवाए, जो है जो भी पार्टी आए खुद करवाए। ये चीज ठीक है जो ये नीचे फेंका गया है, ये तो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, कूड़ा तो फिर भी हुआ ना? नहीं कूड़ा नहीं है, कूड़ा नहीं, लोगों ने पड़ा फेंक दिया जो है। भाई रोड पे अगर आप फेंक रहे तो कूड़ा ही तो फैला रहे हैं, वो कुछ भी फेंकी है। और दूसरी तरफ देखिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है सुरक्षा के नाम पर, यहाँ पे इलाके में किस तरीके से पूरी बाउंड्री बनाई जाती है, चाहे वो पुलिस के जरिए हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए हो, आज आखिरी दिन है इस वजह से थोड़ा सा गहमा गहमी ज़्यादा है। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर अब इस बार बदलाव का, लोग कह तो रहे हैं बदलाव होगा तो कितना होगा, कैसे होगा और किस तरीके से, क्या लग रहा है बदलाव? बदलाव क्या है पब्लिक का इस बार? केजरीवाल
एमसीडी में भी केजरीवाल। अच्छा, एमसीडी में भी केजरीवाल, क्यों? 200 काम किया दिल्ली सरकार ने 7 साल में, जो काम किया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिला फ्री, कोई तो कहते कि फ्री की रेवड़ी आती गई नहीं चाहिए तो छोड़ दो। जब दिल्ली में फॉर्म भरवाए थे इसको बिजली चाहिए फ्री, वो फॉर्म भरे मनीष जी के विधानसभा में, पहले दिन जो 300 फॉर्म भर गए उसमें 250 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अगर बिजली नहीं चाहिए, ये कैसे, ये आंकड़े कहाँ से आ गए आपके? मनीष जी का अपना, अपने क्षेत्र में जो आए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा ये कौन सा आदमी है, उन्होंने बीजेपी का आदमी है, ये इस पार्टी का आदमी है, कांग्रेस पार्टी का आदमी है, सिर्फ 50 जनता थी वहाँ, 250 कांग्रेस और बीजेपी के वहाँ। मतलब सब्सिडी बिजली पे सबको चाहिए, लेकिन राजनीति, राजनीति सबको करनी है, और पूरे बहुमत से आएगी, 200 से ऊपर सीट लेके आएगी। जाहिर सी बात है, जेब से पैसे किसके जा रहे हैं मतलब वो होता है। अब वो चाहे बीजेपी का हो कार्यकर्ता, या आम आदमी पार्टी का हो, या फिर कह सकते हैं कि निकलने दो, अभी नमाज का टाइम है, कोई बात नहीं, भीड़ लगी रहेगी। अभी आप देखिए कांग्रेस के भी प्रचार यहाँ पर मस्जिद के बाहर है। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ सही है कि मस्जिद के अंदर आप राजनीति, तो मस्जिद के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मस्जिद परिसर में क्यों? मेरे हिसाब से पुलिस को इस चेयर पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस का देखिए, हर चीज़ पुलिस करे ये जरूरी नहीं है, धार्मिक मामला यहाँ पे लाई हुई है, ये तो आप लोगों को देखना है, पार्टी है, तो ये सब चीज़ बाहर होनी चाहिए। तो मस्जिद के गेट पे बिल्कुल, तो मंदिर हो, कोई भी जो धार्मिक चीज चले उन पर सब चीज। माजी क्या लग रहा है इस बार, मूड क्या है पब्लिक का? केजरीवाल सही है, कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, खूब अच्छा है। चलो अच्छा भी होना चाहिए। और ये देखिए प्रचार के जिस तरीके से चल रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों लोग, क्योंकि ये वार्ड नंबर 201 है, और यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम नाम पे, राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे। अच्छा, किस नाम पे, किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? काम के नाम पे, काम के नाम पे, केजरीवाल के काम के नाम पे मांग रहे हैं। अपना अपना तरीका है वोट मांगने का, और सही भी है, क्योंकि किस तरीके से चीज़ें होती है, अगर काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं काम किया तो बदल दीजिए, ये दोनों लोगों का इज्जत है। ये मस्जिद के बाहर इस तरीके से आज सर, ये क्या मस्जिद के में एकदम खड़े होकर इस तरीके से राजनीति बात, ये सही लग रहा है आपको? ये चलिए मस्जिद के गेट पे खड़े होकर इस तरीके से प्रचार सही लग रहा है? प्रचार सब पार्टियां कर रही है, कौन पार्टी ऐसी जो प्रचार नहीं कर रही है? हर पार्टी प्रचार कर रही है, नहीं बाहर लोगों को बाहर में आवाज जो सराहों गेट स्थल को राजनीतिक स्थल बना देते हैं। ये तो हर पार्टी राजनीतिक स्थल बता रही है। देखिए कौन क्या कर रहा है, मैं नहीं, 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 एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया कि आप हर धार्मिक, हर पार्टी अपना राजनीतिक वो करती है, एजेंडा सेट करती है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो गलती मैं करूँ वो आप भी करें? हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं आज, ये गलती नहीं है। आज इस देश में सिर्फ धर्म के नाम पे ही राजनीति हो रही है, सब धर्म के नाम पे राजनीति कर। अभी वही बात कही थी साहब आपसे कि आप धर्म के नाम पे कोई दूसरा गलती कर रहा तो आप भी करें। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आज की डेट में सिर्फ एक माइनॉरिटी वोट ऐसा है हिंदुस्तान में जिसे हर पार्टी कितने परसेंट वोट है यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट यहाँ पे तकरीबन 18,000 मुस्लिम वोट है यहाँ पे, लेकिन आज माइनॉरिटी को सिर्फ एक वोट बैंक बना रखा है, इसको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चलती है, माइनॉरिटी से वोट लिया जाता है, इनका कोई काम नहीं किया जाता है, वोट लेने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, ना ही इनकी कोई सुनवाई होती है। इसलिए आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सच्चाई का सामना करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल में जो विकास किया, आज विकास की कोई बात नहीं करता, ना काम की कोई बात करता है। यहाँ पे झूठे वादों की एक पुलंदा बना हुआ है, केंद्र से लेकर राज्य तक झूठे वादे दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता, उस पर कोई काम नहीं होता। तो आज हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सच्चाई का सामना करा रहे हैं, उनको सच्चाई याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस वाली दिल्ली, जो 15 साल जो कांग्रेस में शीला दीक्षित की सरकार ने जो दिल्ली बनाई थी, आज वो दिल्ली कहाँ चली गई? झूठे वादे करके जो लोग आज सत्ता अधीन है, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, आज वो उस विकास को तो भूल गए। चलिए जो मुद्दे की बात आते हैं, जो मेन मुद्दा है एमसीडी चुनाव है, सरकार ने, पिछली सरकारों ने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, इस बार मेन मुद्दा क्या है दो शब्दों में अगर आप कहें? इस बार जो मेन मुद्दा है, अगर हम कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात करें, मेन मुद्दा है गंदगी, सफाई। काम हुआ पहले पार्षद ने किया काम? पिछले 10-8 साल से अगर मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा की बात करूं, ना तो एक सड़क बनी। मैं वार्ड की बात कर रहा हूं, आप ऊपर चले, वार्ड में आपके काम हुआ पूर्व पार्षद ने किया या नहीं, हाँ या ना? हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, ना कोई गली है, ना सड़क बनी है। तो इस बार मूड क्या है, बदलाव का है क्या? 100% बदलाव का है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ ये वार्ड जीतने जा रही है, कांग्रेस का परचम 7 तारीख को वार्ड 201 ललिता पार्क में लहराएगा। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव क्या आता है। ये कांग्रेस इधर है और इधर आम आदमी पार्टी है, कैंडिडेट भी इस वक्त साथ में है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव
या पूर्व भाजपा? पहली बात तो यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको इलाके के बारे में पता होगा। सबसे अहम मुद्दे अगर कल को जनता आपको चुन के भेजती है, अहम मुद्दे आपके क्या होंगे यहाँ पे सबसे पहले जो आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो रोडों में गंदगी है, हर जगह नालियाँ भरी हुई हैं, उन पे काम करेंगे। जो एमसीडी के बेसिक काम होते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, जो अभी तक पिछले 5 साल या 15 साल में नहीं हुए हैं। वो नहीं हुआ है? नहीं हुआ। दूसरी चीज़, एक्चुअली ये इलाका है जो रमेश पार्क हो गया, ललिता पार्क हो गया, काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और इंटरनेशनल लेवल पर लोग यहाँ पर काम करते हैं। इस मार्केट को आश्वासन के तौर पर किया था कि मल्टी लेवल पार्किंग होगी, साफ़ सफाई होगी, लेकिन आरोप यह है कि साफ़ सफाई खूब होती है, कूड़ा उठता नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि जो मार्केट्स हैं, जो भी रमेश पार्क है या लक्ष्मी नगर है, पूरा ललिता पार्क, उसको साफ़ सफाई रखी जाए, तभी जो आएगा वो तभी अच्छा फील करेगा, अदरवाइज़ तो। देखिए, एक महिला भी हैं आप, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये होता है कि भैया उनको घर भी देखना है, और अगर आप राजनीति आ रही हैं तो राजनीतिक हिस्से में भी आपको देखना है। तो आपको लगता है दोनों चीज़ें आप मैनेज कर सकती हैं, इलाके को अच्छा से साफ सुथरा? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। यस, टाइम मैनेजमेंट तो सब चीज़ का होता ही है। अब लेडीज़ें जॉब करती है तो घर भी देखती है, जॉब भी करती है। ये बात भी है, क्योंकि जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो बाहर निकलकर काम क्यों नहीं कर सकती हैं। चलिए, ये तो बात है। अब हम पब्लिक से बात करते हैं, दोनों कैंडिडेट थे जिनसे हमने यहाँ पर बात की है। लोगों का साफ तौर पर कहना है, मन तो बदलाव का है लेकिन राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, वादे होंगे, इरादे होंगे, लेकिन उन वादों और इरादों पर जनता कितना अमल करेगी ये तो 7 तारीख के नतीजे बता पाएंगे। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या है पब्लिक का मूड। दिल्ली में मुझे हो गया 19 साल। इस वार्ड में कितने साल हो गए? इस वार्ड में हो गए 7-8 साल। 7-8 साल। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में क्या मूड है पब्लिक का? पब्लिक का मूड जी साफ सफाई और जो यहाँ पे कूड़ा है ना, कूड़ा का कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। भले ही कूड़ेदान है, कूड़ेदान है, लेकिन कोई वैसे गलियों की नालियों की तो आप दुर्दशा देखोगे इतनी है कि आप समझ नहीं पाओगे। गंदगी है नालियों में, कूड़े कहीं कोई फेंक रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। साफ़ सफाई वाले आते तो हैं, एक बार करके जाते, लेकिन यहाँ नालियों की जो सीवरेज है ना, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे साफ सफाई कुछ भी कोई काम नहीं किया। नहीं, काम जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मूल कूड़ा सुबह तो एक बार उठता है, उसके बाद देख लो आप गंदगी, आप खुद ही देख सकते हो नालियों में क्या हालत, आप खड़े नहीं हो सकते। इतनी बड़ी मार्केट है, अगर साफ सफाई नहीं होती तो कैसे काम चलता है? नहीं, चलता है काम, ऐसा थोड़ी, लोग तो काम करेंगे आएंगे, लेकिन गंदगी है ये आप मानना पड़ेगा, गंदगी है। एमसीडी की तरफ से कोई स्कूल, बरातघर या कुछ और? बरातघर मेरे हिसाब से डिस्पेंसरी एक खुली है और बरातघर एक पुराना ही है, और तो ऐसे मुझे कोई वैसा काम। 5 साल में पार्षद ने क्या क्या किया? ये 2-3 काम यही मैं जो जान रहा हूँ यही जानता हूँ। साफ सफाई हो तो एमसीडी का शुरू से काम है, थोड़ा बहुत जो होता है होता है, सफाई हो। बदलाव का या वही रहेंगे? नहीं, अब देखो ये तो जनता तय करेगी, हमारे तय करने से हम भी जनता है, लेकिन हम तो बदलाव चाह रहे हैं, अब देखेंगे बदलाव चाह रहे हैं। तो देखा आपने वार्ड नंबर 201 की पूरी कहानी, पब्लिक का मूड क्या है, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में नेता आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन जनता राह ताकती रहती है कि जिनको चुनकर हमने जिस जगह पर भेजा था, जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसको वो कितना निभा पाए। नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर है पूर्व पार्षद के खिलाफ यहाँ पर है, लोगों का माहौल इस बार बदलाव का लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जनता किस करवट बैठेगी जब चुनाव होंगे, जब वोटिंग होगी, और फिर नतीजे साफ कर देंगे कि फैसला किसके हक में है, कौन होगा पास और कौन होगा फेल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कूड़ा और नाली सारी बंद है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। पब्लिक का मूड जी साफ सफाई और जो यहाँ पे कूड़ा है ना, कूड़ा का कोई उपाय नहीं हो पा रहा है।